Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So today we are going to continue with second lecture of work, power and energy. In this lecture, we are going to study about work done by a variable force. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Then weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक अगर हमें करना है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं वेरिएबल फोर्स। सो वेरिएबल फोर्स लगाना है, सो वेरिएबल फोर्स अगर है तो ऐसे केस में हमें मैथमेटिक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना पड़ता है। सो हम यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे जहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय द फोर्स एफ डीएस। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डीएस। सो हम कंसीडर करेंगे कि ये छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस एफ फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डीएस के लिए एफ फोर्स लगाने पे वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे वर्क डन इज वेरी स्मॉल एंड वर्क डन रहेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट ds। सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट और एफ के बीच का एंगल अगर थीटा है एंड हमें अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करनी है, सो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ डी एस कॉस थीटा। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। सो ये फॉर वेरी स्मॉल वर्क डन। बट अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए, सो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेंड बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल वर्क डन। अब अगर हम देखेंगे हर जगह पे छोटा छोटा वर्क डन रहेगा, स्मॉल स्मॉल वर्क डन है, सो सारे वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करें, सारे वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए? इट इज एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इस तरीके से हमें मिलेगा वर्क डन। सो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा और आगे हम लेकर चलते हैं। सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशनल है, सपोज यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इट इज टू डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट है। सो टू डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन टर्म ऑफ टू डायमेंशन। सो टू डायमेंशन के केस में फोर्स हमें कैसे मिलेगा? फोर्स कैन बी गिवन बाय एफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे कैप। सो टू डायमेंशनल के लिए फोर्स कैसे मिलेगा हमें? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे कैप। सिमिलरली सो अब यहां पर सपोज हम कुछ टू डायमेंशन में जा रहे हैं, सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो डी एक्स हो रहा है, सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है डी एस, ये भी टू डायमेंशन का पार्ट रहेगा। तो x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट dx होगा और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू dy। सो यहाँ पे इस केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ds, नेट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू dxi, dx डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड dy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस i। सो इस केस में स्मॉल वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन शुड बी इक्वल टू f डॉट ds। सो यहाँ पर एफ की वैल्यू हम लिखेंगे एफ के ऊपर यहाँ पे वेक्टर नहीं रहेगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड डी एस, डी एस के लिए लिखेंगे हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई इंटू आई वन होता है बट आई इंटू जे जीरो होता है, तो हम आई इंटू आई के प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पर। सो डी डब्ल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस 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 एफ वाई डी वाई। सो ये मिला हमें डी डब्ल्यू। तो हमें नेट वर्क डन अगर चाहिए, सो नेट वर्क डन कैसे मिलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल वर्क डन।
सो स्मॉल स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स, सो यहाँ पे होगा ए एक्स एंड बी एक्स, ए बी के पॉइंट्स रहेंगे, एक्स के पॉइंट रहेंगे, हम न्यूमेरिकल से ये कॉन्सेप्ट और बेटर वे में समझ जाएंगे। एंड यहाँ पे जो लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की, जो लिमिट रहेगी वो एक्स कोऑर्डिनेट रहेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे एफ वाई डी वाई के केस में जो हम लिमिट लिखेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए ए वाई टू डी वाई, सो यहाँ पर इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे। सो यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे रहेंगे ए एक्स ए वाई, एंड यहाँ पे का कोऑर्डिनेट रहेगा बी एक्स बी वाई। सो ए एक्स टू बी एक्स किसके लिए रहेगा, डी एक्स वाले के साथ में, एंड ए वाई टू बी वाई किसके साथ रहेगा, डी वाई के साथ में। सो इस तरीके से हम नेटवर्क डन निकाल सकते हैं इन टू डायमेंशनल। बट इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन, अगर थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा है, सो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए फोर्स हमें कैसे मिलेगा, सो थ्री डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस रहेंगे, एक्स वाई एंड जेड तीन एक्सिस रहेगा। सो फोर्स हमें किस तरीके से मिलेगा, फोर्स मिलेगा एफ एक्स आई देन प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, के इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट इस बार जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इट शुड बी इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। सो स्मॉल वर्क डन शुड बी इक्वल टू, स्मॉल वर्क डन कैसे मिलेगा, एफ डॉट डी एस से। सो यहाँ पे एफ डॉट डी एस अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, एफ एक्स आई एफ की वैल्यू प्लस एफ वाई जे एंड एफ जेड के, एंड डी एस के लिए क्या मिलेगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देन हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई इंटू आई वन करके, सो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। सो नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, एंड हम इंटीग्रेट अगर करते हैं यहाँ पर, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बट यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल हम अप्लाई करते हैं तो लिमिट यहाँ पे आएगा ए एक्स टू बी एक्स, देन इन दिस केस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई के लिए लिमिट ए वाई टू बी वाई, एंड इन थर्ड केस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड लिमिट आएगा ए जेड टू बी जेड। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड के। सो इस तरीके से हम वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रेट करके नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। सो आपके नोट्स के लिए यहाँ पे बेटर वे में ऐड किया हुआ है, सो आप बाद में नोट कर सकते हो। सो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इतने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। सो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। सो यहाँ पर हम समझते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम जीरो टू फाइव, जीरो से फाइव तक पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय एफ। फोर्स कितना मिला दिया हुआ है यहाँ पे, एफ इज इक्वल्स टू सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो वेरिएबल फोर्स है क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे वैरी होगी फोर्स की भी वैल्यू वैरी होगी। अगर आप एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट कर दो तो फोर्स कितना आ रहा है सेवन, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देन एक्स की वैल्यू टू पुट कर दी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे फोर्स, सो दिस इज वेरिएबल फोर्स। सो हमें निकालना है वर्क डन। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो टू फाइव। अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो हम यहाँ से जो एक्स दिया हुआ है, सपोज एक्स यहाँ पे आ रहा है तो एक्स के केस में बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएक्स। एक्स के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स ले रहे हैं एक्स पोजिशन पे। सो स्मॉल वर्क डन एट दिस पोजिशन जहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए वर्क डन हम लेंगे स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एस एफ इंटू डी एक्स सॉरी। सो नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होगा। बट इंटीग्रेशन एफ डी एक्स तो हो रहा है लेकिन डीएक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके फाइव तक। डीएक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है,
जीरो से स्टार्ट हो रही है तो फाइव तक जा रहा है, सो ये लिमिट रहेगा जीरो टू फाइव। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ की वैल्यू इज 7 - 2x + 3x² इंटू dx, देन लिमिट 0 to 5। अब यहां पर वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट। सो 7 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा, यहां पे देखिए 7 dx, तो 7 हमने बाहर निकाल दिया, यहां पे कुछ नहीं बचा इसलिए 1 dx, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5। देन -2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन xdx, यहां पे सिर्फ xdx बचता है एंड लिमिट 0 to 5। एंड +3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x² dx, लिमिट 0 to 5। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन ले लेंगे इनका। सो यहां पर 7 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x एंड लिमिट 0 to 5। देन -2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² / 2 एंड लिमिट 0 to 5 एज इट इज। 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³/3, लिमिट 0 to 5। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता तो मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x·n dx इज x·n+1/(n+1)। लिमिट अगर a टू b है तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से लिमिट। एंड इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन जहां जहां x है सबसे पहले हम वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये b·n+1/(n+1) होगा माइनस लोअर लिमिट, तो a·n+1/(n+1) होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, तो यहां पे भी हम सेम कर सकते हैं, 7 एज इट इज। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 5, तो x की जगह 5 लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 0, देन -2 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ 3 कैंसिल कर सकते हैं। सो अपर लिमिट क्या है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5² -0² लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5³ एंड 0³ 0 हो जाएगा, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 7 5 = 35 -5² = 25 एंड 5³ = 125। सो 35 - 25 = 10 + 125, 10 + 125 = 135 जूल्स। सो आंसर सी इज करेक्ट इन दिस केस। सो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि फोर्स जो है, फोर्स इज गिवन बाय xi + y²j। फोर्स कैसे मिल रहा है इस केस में, फोर्स इज गिवन बाय xi + y²j न्यूटन। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1 to 2 meter टू -3 to 4 meter। सो यहां पे टू डायमेंशनल मोशन दिया हुआ है हमें। सो पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, 1 to 2 से -3, 4 तक। -3, 4 कहां पे आएगा, यहां आएगा कि -3, 4 तक जा रहा है। सो यहां पे ये डायरेक्शन में जा रहा है एंड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो यहां पे वेरिएबल फोर्स हो गया। फाइंड द वर्क डन। सो इस केस में हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना वाई डायरेक्शन में। सो हम यहां पर जो ds है, ds को क्या लेंगे, ds इज dxi + dyj। अगर ये टू डायमेंशन में मूव कर रहा है तो ds को हम क्या लेते हैं, dxi + dyj, ये हमने थ्योरी में देखा है। सो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, dxi + dyj। अब इस केस में हमें स्मॉल वर्क डन कैसे मिलेगा, स्मॉल वर्क डन शुड बी इक्वल टू f.ds। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f, इट इज xi + y²j एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ds, इट इज dxi + dyj। हमने वैल्यूज लिख ली, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर dw हमें क्या मिलेगा, x·dx x·dx + y²dy। हो गया, आंसर आ जाएगा अभी इजीली। सो यहां पे जस्ट आपको लिमिट पता होना चाहिए एंड नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन एंड इंटीग्रेशन ऑफ xdx। बट लिमिट किसके रहेंगे, x कोऑर्डिनेट के। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 to -3 है, x कोऑर्डिनेट हमें क्या दिख रहा है, 1 to -3, तो ये कहाँ से जा रहा है, 1 से जा रहा है -3 तक। एंड y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो 2 से 4 तक जा रहा है। सो सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लिमिट, x के पास लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट के लिए लिमिट क्या है, 1 to -3 एंड यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन
वाई स्क्वायर डी वाई, बट और वाई का लिमिट क्या है, 2 to 4, 2 to 4 ये रहेगा लिमिट फॉर वाई। देन अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 1 to -3, एंड वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट 2 to 4। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, -3 ज़ा स्क्वायर बाई 2 - 1 ज़ा स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 ज़ा क्यूब बाई 3 -2 ज़ा क्यूब बाई 3। सो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन -3 ज़ा स्क्वायर इज 9 बाई 2 -1 बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4 का क्यूब इज 64 बाई 3 -2 ज़ा क्यूब इज 8 बाई 3। सो फाइनल कैलकुलेशन हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देन 9 बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 - 1 इज 8 बाई 2 प्लस दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम 3, 64 - 8 कितना हो जाएगा, 64 में से 8 गया 56। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी जरूरत नहीं इसकी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो 4 + 56/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 + 56/3 सो इट इज 68/3 जूल्स। सो आंसर रहेगा ए, 68/3 जूल्स। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। सो वन मोर क्वेश्चन, अब यहां पे दिया हुआ है अ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, जो फोर्स एफ है वो कैसे मिल रहा है, इट इज गिवन बाय एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे। इस बार तो एक्स और वाई साथ में दिया हुआ है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये कैसे मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये रहेगा पैराबोलिक पाथ। सो यहां पे ये मूव कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम 0 0 0 0 से सो a, a² तक मूव करने के लिए यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। सो अगेन 2 डायमेंशनल है, और ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है वाई और एक्स का, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ पे अगेन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 डायमेंशनल मोशन में, dxi प्लस dyj। सो ओवरऑल वी कैन राइट स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट ds। सो वैल्यू ऑफ एफ इज xy स्क्वायर i प्लस y एक्स स्क्वायर j, एंड वैल्यू ऑफ ds इज dxi प्लस dyj। आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इंटू i 1 हो जाएगा, और हमें मिलेगा dw इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। सो अब इसके बाद नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, एंड इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। बट लिमिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स के लिमिट क्या से कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है, तो ये हो जाएगा 0 to a, एंड y dy के लिए y के लिमिट है 0 to a² सो ये 0 to a² ये भी ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है dx है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x चाहिए बट हमें y दिया हुआ है, एंड dy है तो फंक्शन ऑफ y चाहिए बट x दिया हुआ है। उसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशन, पैराबोलिक पाथ दिया हुआ था तो ये रिलेशन है, y की वैल्यू x² है। सो यहाँ पर हम dx के केस में y को x बनाएंगे, सो 0 to a x y स्क्वायर के जगह, y की वैल्यू x स्क्वायर है तो y स्क्वायर कितना होगा x पावर 4 dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू y लिखेंगे तो y इंटू y y स्क्वायर, इट इज y स्क्वायर dy, लिमिट 0 to a² सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज x पावर 5 का इंटीग्रेशन x पावर 6/6 लिमिट 0 to a प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा y³/3 लिमिट 0 to a² सो ओवरऑल इसके बाद हमें क्या मिलता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा a⁶/6, लोअर लिमिट तो 0 है, और यहाँ पे प्लस अपर लिमिट a² का क्यूब कितना हो जाएगा a⁶/3। सो
ओवरऑल हमें क्या मिलता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बाय 3 a स्क्वायर, सॉरी 3 a पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर 6 बाय 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आपने देखा सिंपल क्वेश्चन है, और वेरिएबल फोर्स में जस्ट हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट फोर्स में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, बट वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स हमें दिया हुआ है यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू सी एक्स, एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एक्स वन। सो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी एस शुड बी इक्वल टू डी एक्स, वेरी स्मॉल, वन डायमेंशनल ही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वर्क डन हमें बताना है इन दिस प्रोसेस, एंड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, सो स्मॉल वर्क डन शुड बी इक्वल टू एफ डी एस, एफ की वैल्यू सी एक्स और डी एस की वैल्यू डी एक्स। देन नेट वर्क के लिए क्या करेंगे, हम स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सी एक्स डी एक्स, बट लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो टू एक्स वन तक, सी कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट जीरो टू एक्स वन, सो आंसर आ जाएगा सी एक्स वन स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट वैल्यू एक्स वन हम पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो जीरो है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सो इसे हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ वेसल ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल वेट आर इमर्ज्ड इन वाटर टू अ डेप्थ एच, दोनों को इमर्ज किया हुआ है, यहाँ पर एक वाटर है, वाटर में दो वेसल को हमने इमर्ज किया, ये एक वेसल है दूसरा वेसल है, दोनों को इमर्ज किया है, सो कितने डेप्थ तक इमर्ज किया है, एच, सो एच डेप्थ तक इमर्स किया, ये एक वेसल, एंड यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दिस इज सेकेंड वेसल। अब वेसल ए एंड वेसल बी, वेसल ए हैज ओपनिंग एट द बॉटम थ्रू विच वाटर कैन एंटर, क्या बोला गया है, यहाँ पे एक होल है, ओपनिंग है बॉटम में वेसल ए में, सो इफ द वर्क डन इन इमर्सिंग ए एंड बी आर डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी रिस्पेक्टिवली, सो इनका रिलेशन क्या रहेगा। अब हम यहाँ पे इसको इमर्स कर रहे हैं वाटर में, तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स बाय वाटर अप्लाई होगा, बॉयंट फोर्स क्या करेगा इसको, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करेगा, सो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ ए देयर इज स्मॉल ओपनिंग, तो वाटर अंदर एंटर होगा और बॉयंट फोर्स कम हो जाएगा, सो इसका मतलब ए पे वर्क डन जो है, ए पे कम फोर्स लग रहा है उसको इमर्स करने के लिए, ए पे कम फोर्स लग रहा है और बी पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ पे, सो इससे हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या होना चाहिए, वर्क डन ऑन ए इज लेस देन वर्क डन ऑन बी, क्योंकि ए में क्या था, होल था, तो वहां पे बॉयंट फोर्स डिक्रीज हो रहा था, बट बी में बॉयंट फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा और फोर्स बढ़ेगा, सो यहाँ पे वर्क डन भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कर रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट सेम था बट दोनों में फोर्स वैरी हो रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन ए इज लेस देन वर्क डन ऑन बी, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इस केस में। देन नेक्स्ट, वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है एम, इसे एक्सेलरेट किया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए एक्सेलरेशन, रेस्ट से उसका स्पीड वी किया इन टाइम टी वन, रेस्ट से जब वेलोसिटी उसकी जीरो थी तो उसका वेलोसिटी वी होने तक टाइम टी वन लगा तो एक्सेलरेट हुआ, सो हमें बताना है वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी टाइम तक, सपोज टी टाइम तक ये मूव किया तो वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है, बट हमें पता है वर्क डन मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, ut + ½ at² हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सो ut क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हमें मिलेगा ½ at². अब
तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे हम, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर। सो ओवरऑल हमें मिलेगा हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बट ऑप्शन में ए कहीं नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी माइनस यू अपॉन टी वन, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी वी हुई 0 से टी वन टाइम में। सो बट यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा वी बाई टी वन। सो एक्सेलरेशन में हम वी बाई टी वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ एम वी बाय टी वन जा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर बाय टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो ये होना चाहिए वर्क डन। यहाँ पे आपको समझ में आया है कि हमने डिस्प्लेसमेंट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा टी टाइम तक, क्योंकि वर्क डन इन टी टाइम पूछा गया है। एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या कहा गया था कि एक्सेलरेट किया इसे 0 से v तक इन टाइम टी वन, इसलिए एक्सेलरेशन के केस में हमने टी के जगह टी वन लिखा, टी नहीं लिखा। वर्क डन हमें टी टाइम तक बताना था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट में टी तक हमने लिखा, एस में कौन सा टाइम लिखा हमने, टी टाइम लिखा। सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को, सो यहाँ पे फोकस कीजिए। सो हमारा फाइनल आंसर आता है इसमें 1/2 m वी स्क्वायर बाय टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके पहले हमने वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स देखा था, उसके डीपीपी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का डीपीपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए विद अ हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। एंड लेक्चर पीडीएफ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।